और बात करेंगे देश के आम बजट की, जो बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। देश के आम बजट पर प्रदेश के मंत्रियों और नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। यह बजट देश की जनता के बहुत ही हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है, विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। बजट पेश हुआ है और वास्तव में ये विकसित भारत की नींव रखी गई है। मुझे मालूम है कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, मकान की नींव किसी को नज़र नहीं आती है। शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए, कौशल विकास के लिए, रोजगार देने के लिए इसमें जोर दिया गया, और इसी से ही हमारे जो 2047 विकसित भारत की मजबूत इमारत बनेगी। नहीं, वैसे तो देखिए हर वर्ग को छुआ सरकार ने, और बहुत ही संतुलित बजट है और बहुत ही अच्छा बजट है, प्रगतिशील बजट है, निश्चित तौर से नए आयाम स्थापित करेगा ये बजट। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है 5 ट्रिलियन की होनी चाहिए, तो उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। जो केंद्र की सरकार ने जो बजट किया है वो विकसित भारत का बजट है, और विकसित भारत में विकसित देश के लिए क्या क्या करना चाहिए वो चीज़ सारी इस बजट में सम्मिलित की गई है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि हर प्रदेश को, गरीब को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को हर क्षेत्र में देने का काम किया है। और कल का जो बजट है, इस ज्ञान के नाते, इन चारों वर्गों के नाते भी, और भी जो वर्ग हैं उन सबके इर्द गिर्द उनको लेके मजबूती करने के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए जो है कल बजट आया है, और बड़ा सराहनीय, और मेरा मानना है कि बड़ा एक जनस्पर्शी जो बजट आया है। देश का तीसरा बजट पेश हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल का, और इसके अंदर ये संतुलित बजट हम कह सकते हैं, सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। और ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए एक अच्छा बजट है। और जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित भारत बने, उस विकसित भारत को बनाने में इस बजट की अहम भूमिका रहेगी।